लुधियाना कोर्ट ने ढाई साल पुराने मर्डर केस में फैसला सुनाया है नवंबर 2021 में दो साल की एक बच्ची को जिंदा दफनाने का मामला सामने आया था आरोप बच्ची के पड़ोस में रहने वाली एक महिला पर लगा कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया है पीड़ित परिवार के वकील ने बताया कि पंद्रह अप्रैल को मामले में सजा सुनाई जाएंगी लुधियाना कोर्ट ने सेशन जज मुनीष सिंघल ने 12 अप्रैल को फैसला सुनाते हुए 35 साल की नीलम को दोषी ठहराया नीलम ने 28 नवंबर 2021 को सलेम टाबरी इलाके में बच्ची को गड्ढा खोद कर जिंदा दफना दिया था पुलिस के मुताबिक नीलम ने परिवार के साथ पुरानी दुश्मनी के चलते बच्ची के मर्डर का प्लान बनाया था घटना से कुछ दिन पहले नीलम का बच्ची के पिता हरप्रीत सिंह और उनकी पत्नी से ऐसी बात पर झगड़ा हो गया था इसके बाद उसने सलेम टाबरी के पास एक खेत में गड्ढा खोद कर बच्ची को जिंदा दफना दिया था